तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या आप लोग को पता चला आने वाले चैप्टर में क्या क्या होने वाला है? इसके चैप्टर 102 में क्या होगा तो मैं बताता हूँ। कहानी का आगे का डायरेक्शन क्या होने वाला है? अभी गोकू आया है अर्थ पर और गोहान ने गेन किया है बीस्ट फॉर्म को सेल मैक्स से लड़ते वक्त। ये फॉर्म सियंस के बीच में काफी नया फॉर्म है और पिछली मांगा में हमने देखा कि गोहान सिर्फ 2 पेजेस में बीस्ट फॉर्म में जाकर वापस नॉर्मल हो जाता है और उसकी की सेंस होती है बीरस के प्लेनेट तक, और उसकी की को सेंस करके गोकू नीचे आ जाता है। तो आगे आने वाले चैप्टर में गोकू कह सकता है गोहान को कि उसे बीस्ट फॉर्म को टेस्ट करना है कि इस फॉर्म में कितना ज्यादा पोटेंशियल है और ये मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कितना ज्यादा और कब तक होल्ड कर सकता है, या फिर मेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस बीस्ट फॉर्म के ऊपर है। और ये फाइट होगी लगभग 3 से लेके 4 चैप्टर्स तक, समझ लो 3 से लेके 4 मांगा में सिर्फ गोकू वर्सेस बीस्ट गोहान की फाइट का आर्क चलेगा। फिर इनकी फाइट खत्म होने के बाद तुम्हें और मुझे ऑफिशियली पता लग जाएगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और गोहान में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी से आप लोग अपने बेट्स लगा सकते हो, ओपिनियन देने पर कोई मना ही नहीं है। फिर इस चैप्टर में चिलाई ने भी एक और बड़ी चीज को हिंट किया, और वो ये था कि फ्रीजा के पास ब्लैक फॉर्म आ चुका है और वो क्या पता किसी भी वक्त किसी भी पल वापस से आ सकता है, और उसका ब्लैक फॉर्म कोई मजाक नहीं है। चिलाई की बात से देखो ये साफ हो चुका है। अब कहानी में आगे जो कुछ भी होने वाला है उसमें ब्लैक फ्रीजा का इन्वॉल्वमेंट 100% होने वाला है, और गोकू और वेजिटा टिल नाउ करेंट मांगा में भी इतने केपेबल नहीं है, क्योंकि वो सामने से एडमिट कर रहे हैं कि ब्लैक फ्रीजा उनके ऊपर है और अभी के लिए उनके पास ब्लैक फ्रीजा का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्लैक फ्रीजा मेन विलेन के रूप में आएगा इस मकसद के साथ कि चलो अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, इसका मतलब मुझे गोकू और वेजिटा को रास्ते से हटा देना है? तो देखो ऐसा नहीं होने वाला। फ्रीजा में काफी अकल है, अब वो भी जानता है कि मैं कितना भी ऊपर आ जाऊं, लेकिन ये गोकू और वेजिटा को उसने टाइम बर टाइम देखा है, लिमिट्स को सरपास करते हुए देखा है उसने। गोकू और वेजिटा को अगर वो पूरे इंटेंट टू किल के मकसद से निकलेगा तो गोकू और वेजिटा भी फिर इंटेंट टू किल के मकसद से ही उससे लड़ेंगे, और सोचो अचानक में तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। फ्रीजा के साथ ओह आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ लेट्स किल गोकू एंड वेजिटा। हाँ हो सकता है आगे कहानी में गोकू और वेजिटा फ्रीजा के बीच में कुछ इंटरेस्ट को लेके क्लैश हो किसी टॉपिक को लेकर, जैसे ड्रैगन बॉल ब्रॉली की मूवी में हुआ था। लेकिन डायरेक्ट बैटल ये इंटेंशन से गोकू और फ्रीजा के बीच में नहीं होगी कि इस वक्त कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है फ्रीजा कुछ बड़ा प्लानिंग करता हो, कुछ नया इंटरेस्ट उसके पास हो जिसके वजह से गोकू और वेजिटा को उसको रोकना पड़े कि उसका पूरा प्लान कामयाब ना हो पाए। अब फ्रीजा की बात से याद आया मुझे ब्रॉली के बारे में। देखो पिछले चैप्टर में वेजिटा ब्रॉली को यही बोल रहा था बार बार, ठीक है सुपर सैयन में जाओ, रिज में भी जाओ, लेकिन अपना आपा मत खो जाओ और उतने ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहो जितना तुम अपना आपा खोकर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हो, तो उस चीज को जैसे तैसे कंट्रोल करो। और ब्रॉली को यही चीज समझने में मुश्किल हो रही है कि इस चीज को कैसे सीखा जाए। अभी बीरस के प्लेनेट पर है वेजिटा जो ब्रॉली को ट्रेनिंग दे रहा है। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि शायद ब्रॉली और वेजिटा अभी बीरस के प्लेनेट पर है, और मैं ये भी कह सकता हूँ 4 से लेके 5 या फिर 6 चैप्टर्स में आप ये डेवलपमेंट देखते जाओगे। ब्रॉली वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, उसी में वेजिटा के अंदर भी डेवलपमेंट आ रहे हैं और उसी में ब्रॉली के अंदर भी डेवलपमेंट आ रहे हैं एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करके। नीचे अर्थ पर गोहान वर्सेस गोकू हो रहा है और बीरस के प्लेनेट पर ब्रॉली वर्सेस वेजिटा चल रहा है। और अभी के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर जो गोकू वेजिटा की ट्रेनिंग लिए सबसे परफेक्ट है वो है गोहान और ब्रॉली। ब्रॉली वेजिटा को मदद करेगा उसकी खुद की भी ट्रेनिंग के लिए, और गोहान गोकू को मदद करेगा उसकी खुद की ट्रेनिंग के लिए। और ये फाइट बीस्ट गोहान वर्सेस गोकू गोकू के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। जहां तक बात करें वेजिटा की, वेजिटा के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला ब्रॉली को संभालना। आगे हम कहानी में ये जरूर देखेंगे कि वेजिटा और ब्रॉली फाइट कर रहे हैं और वेजिटा कुछ बोल बोल कर ब्रॉली को ट्रिगर कर रहा है, और वो सामने से खुद चैलेंज ले रहा है ब्रॉली को ट्रिगर करके कि वो अपना आपा खो जाए जैसे ब्रॉली मूवी में उसने खो दिया था, और वो तब जाकर उस ब्रॉली के साथ फाइट करे और उसे हैंडल करना सीखे। इनकी ट्रेनिंग इतने सीरियस लेवल पर जाने वाली है, एंड यू नो ऐसा होता है तो वेजिटा को एक रियल ट्रेनिंग मिलेगी और ब्रॉली भी फाइट करके बीचों बीच में कहीं ना कहीं सीख जाएगा उसे अपने इस एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। और फिर ये चारों जो एक दूसरे से फाइट करेंगे आगे कहानी में जाकर इन चारों का और ब्लैक फ्रीजा का होगा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट। अब ब्रॉली ट्रेन कर चुका होगा अपने एंगर को मास्टर करना, लेकिन जब उसके सामने पहली बार फ्रीजा वापस से आएगा और जब उसके फेस को देखेगा उसको याद आएगा यही वो शख्स है जिसने मेरे फादर को मारा था, मेरे ही सामने
सामने और इसकी वजह से ही लास्ट टाइम मैं ट्रिगर हुआ था। तो वहीं पर हो सकता है ब्रॉली वापस से कंट्रोल के बाहर चले जाए फ्रीजा के सामने। और शायद मेरा ये भी कहना सही होगा, अगर गोकू और वेजिटा अभी के टाइम पर ब्लैक फ्रीजा को नहीं संभाल सकते तो अगर ब्रॉली अपने एंगर को कंट्रोल कर लेगा तो वो इस चीज का ख्याल रख सकता है कि उसके मौजूद रहते हुए ब्लैक फ्रीजा गोकू और वेजिटा को छू भी ना पाए। फ्रीजा जब ये देखेगा कि ये शख्स तो एक वक्त पर गोकू और वेजिटा को मारने के लिए खड़ा हो गया था, वो भी उसके साइड से, आज वो उनके लिए खड़ा है मुझे मारने के लिए, इसे ऐसा क्या हो गया? तो ये भी कहानी में ब्रॉली और फ्रीजा का एक अच्छा फेस ऑफ होने वाला है। लेकिन एक और चीज, ब्रॉली, फ्रीजा, गोहान, गोकू और वेजिटा इस कहानी में तो रहेंगे, पर एक और नया नाम इसमें जुड़ेगा। याद है तुम लोग को, ग्रेनोला के मांगा के लास्ट में फ्रीजा गोकू और वेजिटा को भाव भी नहीं देता और कहता है उसे एक जरूरी काम है और वो तुम मंकी से बाद में निपटेगा। तो वही हो सकता है एक और नया नाम जो कहानी में लगभग 7 से लेके 8 चैप्टर्स के बाद जाके जुड़ेगा। तो हाँ यार, अगर आपको लगता है कहानी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कहानी कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।